हेलो फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक सब्जेक्ट में ये हमारा छठा लेक्चर है। जिस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिलैरिटी। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा सरफेस टेंशन। तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे को भी लगेगा कि मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो उसका एफर्ट मुझको दिख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करो, लाइक करो, तो मैं ऐसे ही और ज्यादा वीडियोज बना पाऊंगा, वीडियोज की क्वालिटी इंप्रूव कर पाऊंगा। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। कैपिलैरिटी, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कैपिलैरिटी के। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन लिक्विड। इसे इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखिए, हमारे पास एक सम अमाउंट ऑफ लिक्विड है किसी कंटेनर। उस कंटेनर में हमने एक ट्यूब लिया जो दोनों तरफ से ओपन है। उस ट्यूब को मैंने उस लिक्विड वाले कंटेनर में डाला। किस तरीके से डाला? वर्टिकली डाला, या परपेंडिकुलरली बोल सकते हो। तो उस ट्यूब को वर्टिकली डालने से क्या हुआ कि जो कंटेनर के अंदर लिक्विड था वो सम अमाउंट ऑफ हाइट कवर करा, मतलब कुछ दूरी कवर करा। मान लेते हैं कि उस लिक्विड ने उस ट्यूब के अंदर h हाइट कवर करा। उस h हाइट कवर करने के बाद उस ट्यूब के अंदर आपको पानी की जो सरफेस होगी वो इस तरीके से दिखाई देगी, या तो इस तरीके से दिखाई देगी। अगर पानी का सरफेस आपको ट्यूब के अंदर इस कंडीशन में दिखाई देती है तो इसे बोलते हैं राइज कंडीशन। अगर पानी का सरफेस आपको ट्यूब के अंदर इस कंडीशन में दिखाई देता है तो ये हो गई फॉल कंडीशन। थोड़ा अपोजिट लगता है, बट ये होता है राइज कंडीशन और ये होता है फॉल कंडीशन। तो जब भी हम किसी भी लिक्विड में एक ट्यूब को वर्टिकली डालते हैं तो उस ट्यूब के अंदर पानी का जो सरफेस है या तो वो राइज करेगा, उठेगा, या तो वो पानी का सरफेस नीचे गिरेगा। जब हम इस पानी के लेवल को और ट्यूब के पानी के लेवल को कंपेयर करेंगे, सीधी सी डेफिनेशन कहता है ये कैपिलैरिटी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि किसी भी लिक्विड में जब एक ट्यूब को वर्टिकली डाला जाता है तो उस ट्यूब के अंदर जो वाटर है वो कुछ हाइट कवर करेगा। उस हाइट कवर करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि पानी का जो सरफेस है या तो उस ट्यूब के अंदर राइज हो रहा होगा, उठ रहा होगा, या तो वो पानी का सरफेस गिर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा। कब? जब आप इस वाटर लेवल को, ट्यूब के अंदर जो वाटर लेवल है और कंटेनर के अंदर या जिसके अंदर आपने उस ट्यूब को डाला है उसके वाटर लेवल को कंपेयर करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? तो ये भी देख लीजिए कि राइज कब होता है और फॉल कब होता है, ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हेन द लिक्विड सरफेस इन अ ट्यूब मूविंग अपवर्ड इज नोन एज राइज कंडीशन एंड व्हेन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज मूविंग डाउनवर्ड इज नोन एज फॉल कंडीशन। ठीक है, तो देखिए फॉल कंडीशन के लिए भी मैंने एक डायग्राम बनाया है कि जब भी आप किसी कंटेनर में मरकरी को डाल दीजिए, ठीक है, कंटेनर को भर दिया, उसमें एक ट्यूब लीजिए और वर्टिकली डाल दीजिए। जब आप उस ट्यूब को वर्टिकली डालेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मरकरी का लेवल है उस ट्यूब के अंदर वो बहुत नीचे होगा उस कंटेनर के अंदर जो मरकरी का लेवल है। देखिए यहां पर ये कंटेनर है, इस कंटेनर का जो मरकरी का लेवल है उससे नीचे है यहां पर ट्यूब के अंदर जो मरकरी का लेवल है, क्योंकि यहां पर कौन सा कंडीशन आ गया? फॉल कंडीशन। ठीक है, तो अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इन अ राइज कंडीशन। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलैरिटी। देखिए कैपिलैरिटी राइज के लिए हम एक कंडीशन बनाते हैं कि कैपिलैरिटी राइज कब होगा? जब ट्यूब के अंदर आपको पानी का जो सरफेस है वो इस तरीके से दिखाई देगा। यानी मान लीजिए कि एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर पानी का जो सरफेस होगा वो इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा होगा। किस तरीके से? जो ये वाली पोर्शन है जहां पर लिक्विड का सरफेस इस ग्लास ट्यूब को टच कर रहा होगा, पानी की सतह इस पोर्शन से उठ रही होगी। तो इस पानी के सरफेस को ऊपर उठाने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो कौन सा फोर्स है? देखिए वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इस पानी के सरफेस को ऊपर उठाने के लिए वो है सरफेस टेंसाइल फोर्स। जो सरफेस अपवर्ड
सरफेस टेंसाइल फोर्स होगा वो क्या करेगा, इस पानी के सरफेस को ऊपर की तरफ उठाएगा इस पोजीशन, इस पोर्शन पर। ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जगह पर क्या होता है कि पानी का जो सरफेस होता है वो इस ट्यूब के सरफेस को टच कर रहा होगा यहां पर। तो यहां पर जो टच कर रहा होगा वहां पर वो कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा। मान लीजिए कि ये पानी की सरफेस है ट्यूब के अंदर जो ऊपर उठ रही है और ये ग्लास ट्यूब का सरफेस है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक एंगल बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है, मान लीजिए वो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स है, ये आपका टेंसाइल फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या क्रिएट होगा, एक सरफेस टेंशन क्रिएट होगा। एक और चीज कि पानी का सरफेस ऊपर की तरफ क्यों मूव करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। देखिए आपने कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स पढ़ा है। कोहेसिव फोर्स होता है जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और अडहेसिव फोर्स वो होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होता है कि एक होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और एक है ग्लास के मॉलिक्यूल्स। तो इन ग्लास के मॉलिक्यूल्स और इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स जनरेट हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स। और पानी के जो लिक्विड होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स। तो जब ये एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है इस कोहेसिव फोर्स से, तो इस पोर्शन पर क्या होता है कि पानी का सरफेस ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या जनरेट हो जाता है, सरफेस टेंशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। अब इस टेंसाइल फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यही दो फोर्स जो इसके रिजॉल्व करेंगे उनमें से एक फोर्स क्या होगा, रीजन होगा इस पानी के सरफेस को ऊपर उठाने के लिए। तो इसके फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा ये क्या हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम डेनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो ये है हमारा सिग्मा, यहां पर सिग्मा लिख देता हूं, ठीक है। अब इस सिग्मा के दो कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो मान लीजिए कि यहां पर जो फोर्स लगे इसे जो रिजोल्व करेंगे इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा आपका सिग्मा साइन थीटा, और इसके जो हम परपेंडिकुलर रिजोल्व करेंगे वो हो जाएगा आपका सिग्मा कोस थीटा। तो ये जो सिग्मा कोस थीटा ये जो परपेंडिकुलर फोर्स हमने रिजोल्व करा है वर्टिकल सरफेस टेंसाइल फोर्स, ये हमारा क्या है, वर्टिकल सरफेस टेंसाइल फोर्स। ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस पानी के सरफेस को ऊपर उठाने के लिए, सरफेस टेंशन के अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आप बोल सकते हैं। किसके लिए, ये जो सिग्मा कोस थीटा है ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है पानी के सरफेस को ऊपर उठाने के लिए या सरफेस टेंशन के अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ओके। अब एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं, मैं यहां पर सिग्मा इसके यहां पर रिजोल्व करके लिख देता हूं, ये हो गया आपका सिग्मा साइन थीटा और इसका यहां से हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, सॉरी वर्टिकल सिग्मा कोस थीटा, ठीक है। सिमिलर जो यहां पर बना है ऐसे यहां पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा, तो ये है थीटा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा कोस थीटा और ये हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा, ठीक, सिग्मा साइन थीटा और सिग्मा कोस थीटा। ये सिग्मा क्या आपको पता ही है, सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं, डेरिवेशन फाइंड करते हैं। लेट एच बी द हाइट ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। सबसे पहले कि मान लेते हैं कि एक ट्यूब जिसका डायामीटर क्या है डी, उसे हमने वर्टिकली एक लिक्विड में डाला, तो डालने से क्या हुआ कि जो लिक्विड है उसने ट्यूब के अंदर एच हाइट कवर करा, कितना हाइट कवर करा, एच हाइट कवर करा। तो हमने इसीलिए लिखा है कि लेट एच बी द हाइट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, माना कि एच हाइट है लिक्विड का ट्यूब के अंदर। अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो वेट होगा लिक्विड का हाइट एच पर वो बैलेंस हो जाएगा फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। कोई एक फोर्स होगा जो सरफेस इस ट्यूब ऑफ वाटर लेवल का जो सरफेस होगा ट्यूब के अंदर उस सरफेस के ऊपर। इसे समझिए कि
हमारा सिग्मा कोस थीटा, सिग्मा कोस थीटा ये फोर्स इस वाटर लेवल के सरफेस को ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि वर्टिकल सरफेस टेंसाइल फोर्स, वर्टिकल सरफेस टेंसाइल फोर्स वो कितना हो जाएगा, सिग्मा कोस थीटा इनटू एरिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉरी एरिया नहीं सरकमफेरेंस, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं सरफेस टेंशन के लेक्चर में कि जो हमारा सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है वो कहां पर एक्ट करता है, सरकमफेरेंस पर एक्ट करता है, जहां पर इस वाटर ने जो वाटर का लेवल है उसने ग्लास ट्यूब को टच करा है, अगर आप उसे इस डायरेक्शन में देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी वो इस पोर्शन पर एक्ट कर रहा है। सरफेस टेंशन कहां पर एक्ट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये पानी का मॉलिक्यूल्स है, उसका एक जनरल लेवल बन गया किसी सतह पर, तो सरफेस टेंशन कहां पर एक्ट करता है, उसके इस पोर्शन पर, सरकमफेरेंस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस यानी पाई डी, अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है तो आप सरफेस टेंशन के लेक्चर को देख सकते हैं, बट मैं अभी यहां पर यही बता सकता हूं कि जो हमारा सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है वो कहां पर एक्ट करता है, इस पोर्शन पर, उसके लेंथ पर, लेंथ यानी सरकमफेरेंस पर एक्ट करता है। तो ये फोर्स जो हमने लिखा है सिग्मा कॉस पाई डी, ये कौन सा फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, इस फोर्स के कारण पानी का जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, या ये फोर्स है जिसके कारण सरफेस टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बोल सकते हैं, ठीक। अब अगर कोई चीज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगा, तो इस ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, mg, यहां पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस मास इंटू ग्रेविटी यानी हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स या वेट, यहां पर मैंने क्या कंडीशन डाली है, वेट ऑफ लिक्विड या वेट ऑफ लिक्विड, वो कितना हो जाएगा, mg। अब डेंसिटी का तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, इस लेक्चर में पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, तो वहां पर डेंसिटी, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, रो इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब इस मास को यहां से अगर हम निकाले तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैं यहां पर इसकी जगह ये लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम इंटू मास, तो हमने निकाल लिया, अब क्या बच गया, जी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम की जगह एरिया, एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर इक्वल टू कितना होता है, डी बाई टू, तो डी बाई टू के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू हाइट एच, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम, इंटू रो इंटू जी, ये आ गया आपके पास डाउनवर्ड फोर्स, ये फोर्स बैलेंस होगा इस फोर्स से अंडर इक्विलिब्रियम। तो मैं ऊपर वाली कंडीशन को रफ कर देता हूं, अंडर इक्विलिब्रियम यहां डाल देता हूं, अंडर इक्विलिब्रियम ये जो फोर्स है इक्वेशन वन वाला फोर्स और ये जो इक्वेशन सेकंड वाला फोर्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी इक्वल टू पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू हाइट एच, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी यानी रो इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां से आप हाइट निकाल लीजिए, एच इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी अपॉन में पाई डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी, और ये फोर्स चला गया आपका ऊपर,
इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए H इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा कोस थीटा, पाई से पाई कैंसल, एक डी से एक डी कैंसल, तो 4 सिग्मा कोस थीटा बच गया ऊपर, अपॉन में बच गया आपके पास रो डेंसिटी इंटू जी इंटू एच इंटू डी। ठीक, ये आ गया आपके पास कैपिलैरिटी की इक्वेशन। ठीक, लेकिन एक चीज और, इन कंडीशन ऑफ लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब, लिक्विड और ग्लास ट्यूब के कंडीशन में क्या होता है, ये जो थीटा बनता है ना, ये थीटा, ये जीरो होता है इन केस ऑफ वाटर, या हम बोल सकते हैं लिक्विड, इन केस ऑफ वाटर या लिक्विड द थीटा बिकम जीरो। यानी ग्लास ट्यूब में जब आप पानी के सरफेस को डालेंगे, सॉरी पानी के सरफेस में जब आप ग्लास ट्यूब को डालेंगे तो आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, तो उस टाइम थीटा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो थीटा अगर जीरो हो गया तो यहां पर अगर आप थीटा की वैल्यू जीरो डालें तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सिग्मा कोस, जीरो की वैल्यू होती है 1, 1 को आप, तो 4 सिग्मा बच जाएगा ऊपर क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, नीचे बच जाएगा रो जी एच डी। ये किसके लिए है, ओनली फॉर लिक्विड और वाटर या कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें थीटा जीरो बनता हो, ठीक है, उसके लिए कैपिलैरिटी की इक्वेशन वो हो जाएगी एच इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी एच डी। ठीक है, अब किसी किसी मटेरियल में या किसी किसी फ्लूड के अंदर क्या होता है कि ये कोस थीटा डिफरेंट डिफरेंट आता है। ठीक है, जैसे मरकरी का हो गया, अपने एग्जांपल में भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो उन केस में क्या होता है कि थीटा की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।